हेलो दोस्तों, मेरा नाम खीम सिंह, आपका स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वह है कोरोना इफेक्ट। व्हाट विल हैपन आफ्टर लॉकडाउन? इस लॉकडाउन के बाद, कोरोना इफेक्ट के बाद कैसी रहेगी जिंदगी, कैसा रहेगा हमारा अर्थव्यवस्था या हमारी जॉब की सिचुएशन? मैं यहाँ पे केवल भारत की ही बात, इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ, वरन पूरे वर्ल्ड जो है इससे इफेक्टेड हुआ है। पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन बड़ी हालत खराब है, मतलब ठीक है। मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 35 से 40 हजार करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है। और वहीं मैं विश्व की बात करूं, एक वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं, तो कहते हैं कि $2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है 15 अप्रैल तक। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद कैसी सिचुएशन रहेगी और ये सब क्या हो रहा है? मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं आज के डेट में, भले फिल्म इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीपीओ इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री, होलसेल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एविएशन, टूरिज्म, किसी भी सेक्टर की बात करूं, सबकी हालत खराब है। तो क्या हम लोग इसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट ऐसा ही रख पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक, हम क्या जॉब में ऐसे ही बने रह पाएंगे जैसे आज हैं? और ये कितने टाइम तक चलेगा? इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही नहीं होता है। ये जो ठप हो रहा है, ये जो कोरोना का इफेक्ट आ रहा है, कोरोना वायरस, या फिर इस लॉकडाउन का जो इफेक्ट आ रहा है, इससे होता क्या नॉर्मली पता है आपको? इससे एक निगेटिव वाइब्रेशन पैदा होती है, एक निगेटिविटी फैलती चारों ओर। लोग जाने अनजाने अर्थव्यवस्था की दुहाई देने लगते हैं कि स्लो डाउन हो रहा है, नीचे आ गया, डाउन हो गया, ये सब चीजें चलती हैं। ये धीरे 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 जो है एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे एक जो है ये स्लो डाउन का, ये आफ्टर इफेक्ट का एक सर्कल पैदा हो जाता है, एक निगेटिविटी आ जाती है, जिससे लोग केवल इसेंशियल गुड्स ही खरीदते हैं, बाकी लग्जरीज आइटम में नहीं जाते हैं। उससे जो है वास्तव में जो है इकोनॉमी स्लो डाउन आ जाता है। उससे ये सर्कल जो है ऑलमोस्ट कभी कभी देखा गया है 6 महीने से 1 साल तक इसका इफेक्ट जो है आता है। यस, इट इज देयर। जो हम लोग कह रहे हैं स्लो डाउन है, ये सब एकाएक नहीं होता है। इसके पीछे कुछ आंकड़े हैं, इसके पीछे कुछ कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। जैसे कहते हैं, ये जो है इतिहास का सबसे बड़ा स्लो डाउन निकल के सामने आ रहा है। पहले एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से 2007-2008 में आया था, या वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको हम लोग ग्रेट डिप्रेशन भी कहते थे 1931 में, उससे भी बड़ा स्लोडाउन इसको माना जा रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहूँ, यूएन स्टडी कह रही है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड की वर्कफोर्स, 80% ऑफ द वर्ल्ड वर्कफोर्स, और दूसरे शब्द में 3.3 बिलियन जॉब्स अफेक्टेड ड्यू टू दिस कोरोना आउटब्रेक। 3.3 बिलियन जॉब्स, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और स्पेशली मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कम से कम 35 से 40 हजार करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, 80% जो हमारी इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑलमोस्ट सारे ठप हो गए हैं, बंद पड़े हैं। केवल 20% ही जो है उसमें वर्किंग में है। 20% में क्या क्या आता है? जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या फिर कुछ एसेंशियल गुड्स हैं। यही ओनली जो है अभी करंट सिचुएशन में फैक्ट्री जो है काम कर रही हैं, राइट। यहाँ पे मुझे डार्विन का एक फ्रेज याद आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, आपने भी, मैं भी जानता हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स जो इस सिचुएशन में अपने आप को फिट बनाएगा वही जो है सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ रही है। नॉर्मली जब इतने बड़े एपिडेमिक होते हैं या इतना बड़ा एक पूरी आर्थिक मंदी आती है, तो दो तरीके से काम होता है। एक बिलो द नेक, जो कि हम लोग फिजिकली काम करते हैं, जो कि हमारी वर्कफोर्स है जो अपने शरीर का इस्तेमाल करती है। दूसरा अबव द नेक मीन्स जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे केसेस में जीतेगा कौन? यस, ऑब्वियसली, ऑफकोर्स, आप सही समझे हैं, जो अबव द नेक काम करेगा वही आदमी इसमें जीत पाएगा। यस, इसके बाद होगा क्या? नॉर्मली
दो तीन तरीके के चेंजेस, बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा पूरी समाज में, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पहला बदलाव उसमें क्या देख सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन के स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आएगा। यस, कम्युनिकेशन के स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आएगा, पूरी दुनिया की जो है कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे जहां पर मैं ये कहूं कि इससे पहले भी जो है इतिहास में दो तीन चेंजेस बड़े बड़े आए हैं। जब मानव का विकास हो रहा था उस वक्त, जब पहली बार मानव ने जो है बोलना शुरू किया उस वक्त भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, बहुत बड़ा चेंज आया था, पूरी ग्रोथ जो है फास्ट हो गई थी। उसके बाद सेकेंड चेंज तब आया जब इंसान ने जो है प्रिंट मीडिया का इजाद किया था। प्रिंट मीडिया आते ही हमारी कम्युनिकेशन के स्टाइल में चेंज आ गया था। तीसरा चेंज कब आया, जब चिप का निर्माण हुआ। चिप से मोबाइल के यूजेस, कंप्यूटर का यूजेस बढ़ गया था, या फिर मेमोरी कार्ड, जो भी हम लोग कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो है चिप के बाद जो है पूरा हमारा कम्युनिकेशन चेंज हो जाता, तो पूरी हमारी इकोनॉमी चेंज हो जाती है, ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। चौथा चेंज तब आया जब इंटरनेट का यूज हुआ। इंटरनेट ने अपनी पूरी दुनिया चेंज कर दी। वही ये युग है आज, वही ये टाइम है जब इंटरनेट का एक्चुअल में इस्तेमाल होना चालू हो जाएगा। मैं यूं कहूं कि आज भी आप कोरोना के इस स्लो डाउन या लॉकडाउन वाले पीरियड में देखेंगे, कौन से बिजनेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, कौन से बिजनेस इसके बाद भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, जूम है, ये सारे बिजनेस एकाएक बढ़ गए हैं। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई है। ऑन द अदर हैंड सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ पे भी जो है जो लोग अपने बिजनेस को इंटरनेट पे बेस्ड रखेंगे वही लोग सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे इसके आने वाले टाइम में। ठीक है, तो दूसरा चेंज, बड़ा चेंज क्या आएगा, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना चालू हो जाएगा। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना चालू हो जाएगा, जहां पर लेबर कम काम करेगी, आपके रोबोट्स, आपके मशीनरी ज्यादा काम करेंगे। हम पहले भी सुन चुके हैं ड्राइवरलेस कार आ गई हैं, आपका सर्व करने के लिए वेटर जो है रोबोट्स आ गए हैं, आर्मी जो है रोबोट्स की तैयारी कर रहे हैं, ड्रोन जो है कहीं पे डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर मशीन जो है मशीन और टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, या एप्स और सॉफ्टवेयर में काम हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, जहां पे तो हमारा वर्क फोर्स है, मैन पावर है, वो बहुत कम हो जाएगी। तीसरा चेंज, बड़ा चेंज किस सेक्टर में देखने को मिल रहा है, या फिर जो एक्सपर्ट है वो तीसरे चेंज किस चीज की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बूम आएगा फिर से। यस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फिर से बूम आएगा। यहां पे इसने हमको एक, मैं सॉरी टू से बात कहूं कि औकात दिखा दी हमको कि एग्रीकल्चर की कितनी इंपॉर्टेंस थी। फिर से लोगों को समझ में आ गया कि जिंदा रहना कितना जरूरी है। लोग कहते हैं कि खाना खा के हम जिंदा रहेंगे तो कुछ ना कुछ बाद में कर ही लेंगे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस फिर से समझ में आ गई है। अभी जो है फिर से एग्रीकल्चर का बूम आएगा, जो भी लेबर हमारी घरों को चली गई है या फिर जिन लोगों का जॉब जाएगा वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बड़ा रोल अपना निभाएगी, और गवर्नमेंट भी जो इसको पुश करेगी। चौथा चेंज, बड़ा चेंज जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यस, मैं इसको दूसरे वर्ड में बोलूं, मे भी हो सकता है इसके बाद बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, सारा एजुकेशन सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा, घर बैठे एजुकेशन मिलनी चालू हो जाएगी। फिर से टेक्नोलॉजी का यूज होगा, आपके इंटरनेट के थ्रू या फिर बाकी एप्स के थ्रू पढ़ाई होनी चालू हो जाएगी। यस, ये अभी कहने में बड़ा अटपटा सा लग रहा, बट ये बात कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगी नेक्स्ट, कि कहीं हम जो है अपने बच्चों को शायद स्कूल भेजना ही बंद कर रहे हैं। और इन सब के बाद अब होगा क्या, व्हाट विल बी द सोल्यूशन। मैं जब कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज होगी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो जाएगा, या फिर ये सारी इंडस्ट्री अभी स्लो हो रही है, नहीं हो रही है काम, तो उसके बाद होगा क्या, क्या सोल्यूशन क्या होगा। मोटा मोटा इसके बाद दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो डिजिटल वर्ल्ड आपका बहुत तेजी से ग्रो करेगा, डिजिटली काम होना तेजी से चालू हो जाएगा, नेट का यूज होना चालू हो जाएगा। जो बंदा अपने आप को अपग्रेड करेगा, जो बंदा अपने आप को अपडेट करेगा आने वाले टाइम के हिसाब से, वो सर्वाइव कर जाएगा। यस, वो सर्वाइव कर जाएगा। अब नॉर्मली दो कैटेगरी में वर्कफोर्स हमारा डिवाइड हो जाएगा, एक वो जो फिजिकली काम करता है,
वो जो बिलो द नेक काम करता, एक वो जो अबव द नेक काम करता, वो जो अपनी बुद्धि का यूज करता है, जो बिलो द नेक यूज करता है अपने आप को, जो अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, वो मैक्सिमम वर्कफोर्स जो है जाएगी एग्रीकल्चर की तरफ को। यस, वो एग्रीकल्चर की तरफ को जाएगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आएगा। जो अबव द नेक यूज करेगी, जो अपनी बुद्धि का यूज करेगी, उनके लिए क्या बच जाएगा? ऐसा क्या लगता है आपको, कौन सा सेक्टर ऐसा और ग्रो करेगा? का मानना है यहां पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उभर के सामने आएगी, वो होगी आपकी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जो कि पिछले कई साल से धीरे धीरे चल रही थी। यहां पे उसका मेन रोल सामने आएगा। लोगों के पास जॉब नहीं है, इंडस्ट्रीज काफी स्लो हो गई है, मशीनरी की आने वजह से, आने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने की वजह से काम तो होगा, प्रोडक्शन भी होगा, बट मैन पावर आपकी कम लगेगी। वो मैन पावर कहाँ जाएगी? उसको काम भी चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और उसको पैसा भी चाहिए। हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, उसको काम का जरिया नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं अराजकता फैलेगी। तो उस पूरे मैन पावर को कहाँ यूज करेंगे? ये ऐसा वो होगी आपकी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट भी इस बात को मान चुकी है। कुछ दिन पहले अमिताभ कांत दास, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, वो भी कह चुके हैं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री विल बिकम द इकोनॉमी ड्राइवर फॉर इंडिया। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी और चीजों का, सामान का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? जहां पे आप रिकमेंड करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एक नया चैनल डेवलप करते हो, आप मीडिएटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म करते हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक देते हो, और जो बीच का मार्जिन, जो रिटेलर का, मैन्युफैक्चरर का, सॉरी होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का वो मार्जिन होता, वो आपस में ही बट जाता है। ये इंडस्ट्री फिर से तेजी से ग्रो करेगी। यहाँ पे पूरे जो जो दूसरा सेक्टर है, जो दूसरा तबका है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या फिर जो अबव द नेक काम करेगा, उस सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और प्लस गुड्स का कंज्यूम होना जरूरी है, तो कंज्यूमर तक जाएगा, जो बीच का मार्जिन है वो आपस में बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पूरा फोकस इस पे कर देगी एंड ये प्रूवन है कि एक नया क्रांति आएगी, वो क्रांति आपके बीच में ये होगी। इसके बारे में मैं और ज्यादा डिटेल में आपको बात करूंगा, कैसे इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी कंपनीज हैं जो आज के डेट में सक्सेसफुली रन कर रही हैं और गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड हैं, गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस जारी किया है। ये ऑलरेडी कुछ चीजें पहले से चली आ रही, अब इस इंडस्ट्री का बूम होना बाकी है। तो मैं इसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा अगली वीडियो में, और बताऊंगा कि मैं कैसे आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे आप चूज कर सकते हो, क्या काम करने का तरीका है, और ये इंडस्ट्री कैसे काम करती, कैसे इसमें लोग जो है अर्न करेंगे, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा खत्म होगा, कैसे हम स्किल करेंगे, कैसे हम वुमेन पावर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, कैसे हम वाइट टैक्स जो है गवर्नमेंट को देंगे। इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए टिल देन जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ एट होम। थैंक यू सो मच। खीम सिंह।